हेलो एवरीवन, मेरा नाम मुख्तार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको गूंज फेलोशिप के बारे में बताऊंगा। अगर अभी तक आपको जॉब नहीं मिली है या आप कोई फेलोशिप ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मैं इसमें आपको एप्लीकेशन के प्रोसेस के बारे में बताऊँगा, क्या एज लिमिट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आपको लोकेशन मिलेगी और कितने रुपये लाइक ये सैलरी देंगे और इसकी सैलरी लाइक कितनी होगी मंथली, वो सब चीज़ें मैं इसमें बताऊँगा। और मैं इसमें आपको लाइक कैसे फॉर्म फिल्स कर सकते हैं वो सब चीज़ें इसमें मैं करके दिखाऊंगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके एप्लीकेशन फॉर्म में एक अच्छी बात है, इसको आप हिंदी इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम है आप इसको हिंदी में भी फिल कर सकते हैं, तो ये आपके लिए लाइक ईजी हो जाएगा किसी भी बात को समझने के लिए। तो गूंज फेलोशिप जो है 2018 में स्टार्ट हुआ है ये, अगर आपने अभी तक इसके बारे में पता नहीं है। ये काफ़ी इसकी डेट जो थी 15 मई थी लास्ट अप्लाई करने की, बट इसको एक्सटेंड कर दिया गया है ड्यू टू लॉकडाउन और ये कोविड-19 के केसेस इंडिया में बढ़ रहे हैं, तो इसकी डेट जो है एक्सटेंड कर दी गई है, तो जिसका आपको ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए और मैं इसमें आपको सब कुछ अच्छे से बताऊँगा। तो पहले हम इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देख लेते हैं, लाइक इन्होंने क्या आपके जो डाउट्स हैं यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसको हम पहले देख लेते हैं, यहाँ से देखते हैं इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं ताकि हमारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। तो इन्होंने बहुत कुछ लाइक एक्सप्लेन कर रखा है इसके बारे में, इसमें लाइक व्हाट इज़ दिस फेलोशिप एंड हाउ विल इट एड वैल्यू टू माय प्रोफाइल लाइक। लेकिन मैं इसमें जो भी आपको मेन चीज़ें होंगी जो आपके फ़ायदे के लिए होंगी वो कुछ बताऊँगा। इसका जो वर्क है वो रूरल और अर्बन दोनों के लिए हैं, तो ये डायरेक्टली कम्युनिटी से लिंक है, लाइक आपको कम्युनिटी में ही जाके वर्क करना पड़ेगा। और ये इसमें लिखा है व्हाई दिस फेलोशिप, तो फेलोशिप लाइक आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए ये सब बात है। ये आपको स्टीफन भी देंगे, लाइक आपको ग्रास रूट लेवल पे वर्क करना पड़ेगा डायरेक्टली कम्युनिटी पीपल के साथ। और इसमें ये लिखा है लाइक आपको जो वर्क होगा लाइक कितने टाइम का होगा वो भी इसमें दे रखा है। और हाउ विल द फेलोशिप फंक्शन, ये लाइक फेलोशिप कैसे फंक्शन करेगा, तो फेलोशिप जो है वो 12 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है। इसमें टफ लिखा है, टफ वन, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसा लगेगा। अभी गूंज फेलोशिप को स्टार्ट करने के लिए लाइक हमें करना होगा, तो मैं यहाँ को आपको कैसे फिल करना है वो आप हिंदी इंग्लिश दोनों में फिल कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट हो। आपको लाइक उससे कोई मतलब नहीं है कि लाइक आप हिंदी में फिल कर रहे हैं तो आपकी सिलेक्शन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो उन्होंने खुद ये ऑप्शन दे रखा है। आप चाहें तो हिंदी में कम्फर्ट है तो हिंदी, या इंग्लिश में कम्फर्ट है तो इंग्लिश, आप दो कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाई स्टेप इसमें सब कुछ करके दिखाऊँगा। जैसे कि इसमें गूंज फेलोशिप का ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें ये लिख रखा है आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में भर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें ये दे रखा कि आपने क्वेश्चन आंसर पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं लाइक स्टार्ट करने के लिए, तो हमने उस पर यस पे क्लिक कर दिया है। अब इसमें बेसिक जानकारी के 7 क्वेश्चन हैं उसको हमें फिल करने होंगे, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। अब इसमें जैसे नाम पूछा है तो मैं कुछ भी नाम ऐसे टाइप कर दूँ, मुख्तार लिख देता हूँ, मुख्तार, ओके, दोनों में डालना होगा या अभी मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। लेकिन इसमें ऐसा है कि बिना आपके लाइक कुछ लिखा हुए नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं जा सकते, इसमें ये दे रखा है, तो हम ऐसे कुछ भी डाल देंगे इसमें लाइक A to Z में डाल देता हूँ इसको, सिर्फ आपको फिल करके दिखा रहा हूँ मैं लाइक, तो ऐसे मैं डाल दूँगा तो कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, आप अपने हिसाब से फिल कर लेना। जिसमें इसमें फ़ोन नंबर भी डाल मांगा है मेरा, मैं कंट्री कोड डाल देता हूँ, देन फ़ोन नंबर कुछ भी डाल देता हूँ मैं इसमें ऐसे, नेक्स्ट कर देता हूँ। ईमेल आईडी मांगी है, ईमेल आईडी इसमें डाल देता हूँ, देन मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है लाइक आपके अकॉर्डिंग जो भी आपकी एज हो उसके हिसाब से इसको फिल कर लेना और देन इसको फिल कर देना। तो मैंने इसमें फिल कर दिया और मैं ये अपना जेंडर ले लेता हूँ। नेक्स्ट मैं इसमें आई विश टू अप्लाई इन, अब इसमें पूछा है लाइक आप हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ एंड मैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने होंगे, तो आपको ऐसे टाइप क्वेश्चंस लिखने के लिए लाइक आपको अपने अकॉर्डिंग जो हिंदी या इंग्लिश वो सिलेक्ट कर लेना है, देन नेक्स्ट कर देना। और आपको सारे क्वेश्चन लिखने होंगे, इसमें जो है क्वेश्चन सेव नहीं होते हैं, आपको कहीं पर लिख के रख लेना है, देन इसको स्टार्ट करना है।
कॉपी पेस्ट करके कर देना। तो इसमें नाम थ्री क्वालिटीज़ टू डिस्क्राइब योरसेल्फ, इसमें आपके बारे में पूछा, लाइक कोई भी तीन ऑप्शन, लाइक जैसे लीडरशिप मैं डाल देता हूँ। लीडरशिप मैं डाल देता हूँ और भी लाइक मैं कुछ भी डाल देता हूँ इसको फिल करने के लिए, वरना अगर मैं प्रॉपरली जाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और मैंने ऑलरेडी कुछ इसमें अपने उसमें वो कॉपी कर रखा है, तो मैं उसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ताकि इसको फिल हो जाए। लाइक हमारी जो भी लीडरशिप क्वालिटी है हमें उसको एक्सप्लेन करना है, लाइक कि हमने उसको कैसे फाइंड आउट किया खुद में, लाइक तो हमें उसको एक्सप्लेन करना थोड़ा। जो भी लीडरशिप आपकी क्वालिटी है, लाइक लीडरशिप क्वालिटी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक लीडरशिप क्वालिटी में लाइक टीम मैनेजमेंट, लाइक फ्लेक्सिबिलिटी या जो भी आपको अच्छा लगता है, लाइक कॉन्फिडेंस, तो वो सब आप डाल सकते हैं। देन नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आया, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन गूंज फेलोशिप, तो आपको गूंज फेलोशिप क्यों ज्वाइन करनी है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मैंने ऑलरेडी कर रखा है अपने, तो ये मैं कर देता हूँ, तो नेक्स्ट मैं इसको फिल कर लेता हूँ। देन अब इसमें लिखा है व्हाट आर योर मेजर इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज़, तो हमें यहाँ पे भी अपने हिसाब से ऐसे लिखना है। और आपका जो ऐसे होना चाहिए वो 150 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, वरना वो सेव नहीं होगा, लाइक वो नेक्स्ट ऑप्शन नहीं आएगा अगर कम ऑप्शन होगा तो। अब इसमें दे रखा है लाइक हाउ हैव योर लाइफ एक्सपीरियंस टिल नाउ शेप द पर्सन यू आर एट द प्रेजेंट, तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा अच्छे से। तो देन ये नेक्स्ट हम कर लेते हैं। मैं एक ही चीज़ को सब मैं पेस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए आप अपने हिसाब से इसको लिखना है और अपने हिसाब से इसको करना है। अब इसमें लिखा है अ पर्सनल अकम्पलिशमेंट और अचीवमेंट डैट यू आर प्राउड ऑफ, लाइक आपको कोई भी चीज़ को एक्सप्लेन करना है जो लाइक आपको अच्छा फील हुआ जिसके लिए लाइक अचीव करके, या तो खुद के लिए हो सकता है या किसी और के लिए हो सकता है, तो वो आपको करना होगा। ये सब मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एक ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए क्या कि आपको कैसे फॉर्म फिल करना है और क्या करना है, तो वो आपके लिए एक ईजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब इसमें लिख रखा है अ चैलेंजिंग एक्सपीरियंस ड्यूरिंग लॉकडाउन 2020, हाउ डिड यू हैंडल इट एंड व्हाट डिड यू लर्न, तो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, जो मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। अब इसमें लिखा है नाम द लेटेस्ट बुक यू हैव रीड एंड एक्सप्लेन इट इम्पैक्ट ऑन यू, तो आपको इसके बारे में लाइक आपने अगर कोई बुक पढ़ी है तो उसके बारे में एक्सप्लेन करना होगा, अगर नहीं भी पढ़ी है तो किसी का भी रिव्यू देख के आप गूगल से उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं भी पढ़ी होती है और मोस्टली ऐसे पढ़ ही लेते हैं, थोड़ी बहुत भी पढ़ी है तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ को कर दे दूँ, लाइक आपको बिना इसको लिखे आप एम्प्टी करके लाइक नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते, इसलिए मुझे ये करना लाइक कॉपी पेस्ट करके मैं इसको फिल करके आपको नेक्स्ट क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ। तो ये आ गया आपका कि ऐसे कंप्लीट हो गया। अभी आपको ये सेक्शन 2 स्टार्ट हो गया, लाइक लीडरशिप के बारे में आपके इसमें पूछा जाएगा, तो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अब इसमें दे रखा है बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप, तो आपको लाइक यहाँ पर ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ऊपर, तो उसमें से चूज़ करना है लाइक कौन कौन से आपको सूट करते हैं, तो ये मैंडेटरी है वैसे, तो आपको उसमें कुछ भी मतलब जो भी आपको अच्छा लगता होगा वो उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें फिल कर देना है। जैसे इसमें कर देता हूँ सेल्फ कॉन्फिडेंस, तो मैंने इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कर दिया। और इसमें लिखा है हाउ मैनी ऑफ लीडरशिप क्वालिटीज लिस्टेड ऑफ यू फील ऑलरेडी प्रोसेस, नीचे जो लिख रखा है जहाँ पे ये कर्सर में कर रहा हूँ, तो आपको इसके हिसाब से फिल करना होगा। विच वन डू यू फील अ नीड टू फाइंड आउट मोर अबाउट, लाइक आपको कौन सी ऐसी है जो आपको फाइंड आउट करनी है, तो उसके हिसाब से आप लिख देना। तो मैं यहाँ पर कुछ भी फिल कर देता हूँ लाइक, तो अब नीचे लिखा है विच वन Have you already identified need more development, अब आपको जो भी लाइक आपको कुछ भी है वो आपके अकॉर्डिंग अपना फील कर देना। मैं इसमें लीडरशिप डाल देता हूँ, तो आपको अगर कोई भी लाइक आपको फाइंड आउट कर ली है तो उसके हिसाब से आप इसमें लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें जस्ट लीडर, और इसमें ये लिख रखा है इज़ देयर एनी अदर लीडरशिप क्वालिटी यू पासिस एंड डैट आर नॉट मैंशन अबव,
तो आपको लाइक जो इसमें अवेलेबल नहीं है उसके हिसाब से लाइक अगर आप के अंदर कोई क्वालिटी है तो इसको आप मेंशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ इसको ऐसे फिल कर देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे एजुकेशन के बारे में पूछा गया है लाइक, तो यहाँ पे हम फिल कर देते हैं लाइक आपको जो है इसमें एजुकेशन के बारे में डालना होगा जो भी आपने कर रखा है बीए बीएससी या जो भी कुछ है। और आपको यहाँ पे कुछ लाइक डिग्री टाइप डाल देना है, तो मैं इसमें पे बीए सेलेक्ट कर देता हूँ। और कॉलेज नेम डाल देते हैं तो HNMNBP कुछ भी डाल देते हैं जो आपका हो उसके अकॉर्डिंग आप डाल देना लाइक। मैं इसको बस फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का पूछा है, अगर आपने कर रखी है तो आप मेंशन कर सकते हैं, वरना ग्रेजुएशन भी मेंशन कर सकते हैं लाइक। यहाँ पे सब्जेक्ट पूछा है तो मैं डाल देता हूँ कुछ भी। और यहाँ पे कॉलेज नेम पूछा है तो आप कॉलेज नेम लाइक डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अभी पूछा है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको एक्सपीरियंस फिल करना होगा वरना छोड़ देना होगा लाइक। तो अगर आपके पास वॉलेंटियर एक्सपीरियंस है तो मत फिल करना वरना लाइक आप इसके पास अगर आप प्रोफेशनल कर रहे हैं तो आप ये, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी इसलिए नहीं है कि बहुत सारे पे एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो इन्होंने मैंडेटरी नहीं है। तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस लिख सकते हैं वरना इसको छोड़ देना। अब इसमें रेफरेंस पूछा है, रेफरेंस का लाइक आपके पास कोई कॉन्टैक्ट है जो आप कलीग्स हैं तो उनका नंबर दे सकते हैं। अगर आपके पास कलीग्स नहीं है तो आप अपने लाइक कॉलेज के जो हैं अपने टीचर्स वगैरह उनका नंबर दे सकते हैं दो का किसी का भी। तो मैं ऐसे नंबर ऐसे किसी का भी डाल देता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ। तो ये आपको नंबर ऐसे लिख देना और दोनों नंबर ऐसे फिल कर देना, यहाँ पे भी नंबर अपना फिल कर देना ताकि लाइक रेफरेंस हो जाए। इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब ये है लास्ट ऑप्शन, तो लास्ट ऑप्शन का है सबमिट का। अगर मैं इसको कर दूंगा तो ये सबमिट हो जाएगा, लेकिन मुझे सबमिट नहीं करना है। तो अगर आपको इसमें कोई भी डाउट्स है या कुछ भी पूछना हो तो इसको ज़रूर पूछेगा। इसकी डेट एक्सटेंड हो चुकी है और चांसेस हैं आगे भी एक्सटेंड हो जाए। तो मैंने इसको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है लाइक, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसको फिल करने के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।